आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सिक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,358 नए केस हुए दर्ज। ओमिक्रॉन से अब तक 653 लोग संक्रमित। शेयर बाजार की तेजी पर शुरुआत। निफ्टी 17,200 के करीब, सेंसेक्स 320 पॉइंट उछला। उत्तराखंड का पहला क्रोकोडाइल इको पार्क बनकर तैयार। पर्यटक कर सकेंगे मगरमच्छों का दीदार। उत्तराखंड में 3 नए मामले आए सामने। राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या 4 हुई। नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। चमोली में मौसम के बदलते मिजाज के चलते हिमक्रीड़ा स्थल औली में जमकर बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। लोग देश और विदेश के सैलानी औली में बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। सैलानियों की भारी तादाद के चलते सारे होटल पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। आज हम औली में आए हैं और कुछ भी नहीं था एंड इट्स हैवी, यू नो, स्नोइंग हैवी एंड सो मच फन। बहुत मजा आ रही है। औली में बर्फबारी का काफी अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है और काफी टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं और लोगों को आनंद आ रहा है कि जो लोग इस बर्फबारी का नजारा देखना चाहते थे वो लोग आज औली में पहुंचकर अपने आप को भाग्यवान समझ रहे हैं। जो स्नोफॉल अभी ताजा हो रही है यहाँ पे और इसमें यहाँ के जो हमारे ड्यूटी के लिए जो यहाँ पे रोजगार है, रोजगार में इसमें लोगों को काफी मदद मिलेगी। और इस बर्फबारी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोली हाट में 200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जीआईसी गंगोली हाट मैदान में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने 3 से 14 किलोमीटर तक की सड़कों के डामरीकरण सुधारीकरण का लोकार्पण और जीआईसी कांडा किरोली में अतिरिक्त कक्ष, नगर पंचायत बेरीनाग का भवन, जीआईसी दसाई थल में अतिरिक्त कक्ष का शिलान्यास किया। अपने 37 मिनट के संबोधन में मुख्यमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हुए आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काशी, अयोध्या, मथुरा, बद्रीनाथ धाम आदि मंदिरों का निर्माण और पुराण निर्माण का किया जा रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में 70 साल तक राज करने वाली पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांगकर सेना का अपमान करती रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना आजादी से लगातार मजबूत थी, मौजूद है, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में अच्छा नेतृत्व नहीं मिलने के कारण हमें चीन और पाकिस्तान आंख दिखाते रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों में एक परिवार को पालने और अपने काले कारनामे, काले कारोबार को बढ़ाने का काम किया है। हमारी ये यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो उत्तराखंड राज्य के लिए काम किए गए हैं, देश के लिए काम किए गए हैं, वो आम जनता और सामान्य जनता तक ले जाएंगे। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने जो काम किए हैं उन काम को बताएंगे और सबका आशीर्वाद लेंगे। विजय संकल्प का अभियान करेंगे, पूरा विजय संकल्प है जिसमें कोई विकल्प नहीं है। और उत्तराखंड की जनता को जो मोदी जी ने काम किए हैं, उत्तराखंड सरकार ने काम किए हैं, दोनों ने मिलकर 1 लाख करोड़ की योजना पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई है। तो हमारी जो सरकार उत्तराखंड की जो उसकी ज़रूरत है, केंद्र की सरकार उसको अपनी प्राथमिकता में लेती है। दोनों सरकारें मिलकर डबल इंजन तेजी से आगे बढ़े। भारतीय किसान यूनियन ने अपने कई मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने BSNL, BHEL, ऑर्डिनेंस कंपनियां, LIC, कोयला खदान और बैंक के साथ कई संस्थानों को निजी हाथों से वापस लिए जाने की मांग की है। वहीं
एमएसपी पर तुरंत कानून बनाकर उसे लागू करने की भी मांग की गई है। भारतीय किसान यूनियन ने जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार देश की संपत्ति को बचाने का काम कर रही है, जिसे भारतीय किसान यूनियन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए गन्ने पर 20 प्रति क्विंटल अनुदान और ट्यूबवेल के लिए बिजली मुफ्त दी जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को कार्ड बनाकर 40 लीटर डीजल दिया जाए, जिससे किसानों को खेती करने में कोई समस्या ना हो। साथ ही भारतीय किसान यूनियन के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए जैसे वेतन में बढ़ोतरी की गई है, उसी तरह किसानों की फसलों के रेट भी बढ़ाए जाने चाहिए। दो है, एक माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजने के लिए, एक माननीय मुख्यमंत्री जी को। इसमें इनकी अपनी पृथक पृथक प्रकार की समस्याएं हैं और इसको नियमानुसार संबंधित। उत्तराखंड राज्य में भी विधानसभा चुनाव 2022 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदेश केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक निजी होटल में प्रेसवार्ता की। प्रेसवार्ता में प्रीति थपरियाल को सर्वसम्मति से विकास नगर विधानसभा का विधायक प्रत्याशी नामित घोषित किया गया। इस मौके पर पूछवादून जिलाध्यक्ष गणेश प्रसाद काला, जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ देवेश्वरी विडालिया, केंद्रीय उपाध्यक्ष शैलेश गुलेरी एवं उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। मौके पर उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्र कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना के पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहां की जनता को लगता था कि उत्तर प्रदेश में रहकर इस पर्वतीय क्षेत्र के 8 जिलों का विकास इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि लखनऊ और दिल्ली में बैठे नेता और नौकरशाह पहाड़ के भूगोल को नहीं जानते हैं, वो यहाँ की नदियों, जल, जंगल, संस्कृति और भाषा को नहीं जानते हैं। उन्नासी से ये हम जो है उत्तराखंड आंदोलनकारी रहे हैं। उत्तराखंड आंदोलन में उत्तराखंड क्रांति दल का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। ये बात कोई अछूती नहीं है कि हमने इस राज्य को अपने खून पसीने से सींचा है। हमारे खून की लड़ाई है ये, कि जब हमने ये लड़ाई लड़ी, मातृशक्ति का हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। 42 शहादतें हुई हैं, दो हमारी मातृशक्ति थी, बेलमती चौहान और हंसाबेन, ठीक है, जिनकी शहादत की वजह से उत्तराखंड राज्य में मिला। लेकिन जब 21 साल इस राज्य के हो गए, आप कहाँ देखते हैं इस राज्य को, बताइए क्या है इस राज्य में, कितनी कमियां हैं इस राज्य में। हम उन कमियों को हमेशा से पूरा करना चाहते थे और पूरा करना चाहेंगे। ये राज्य हमारा। खबर रानीपुर से है, जहां पर चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारी करने में तेज हो गई हैं। वहीं विधानसभा रानीपुर से भाजपा विधायक आदेश चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी जगह प्रोग्राम चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारा है अब की बार 60 पार, और ये लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से प्राप्त करेगी। बाजपुर में बैल पड़ाव से अवैध रूप से खनन करके बाजपुर के स्टोर क्रैशरों पर लाया जा रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय ट्रांसपोर्ट का कारोबार पूरी तरह से ठप हो रहा है। सैकड़ों आक्रोशित स्थानीय ट्रांसपोर्टरों ने बन्नाखेड़ा चौराहे और कोसी कांटे पर छोई मार्ग पेट्रोल पंप पर स्थित तीन स्थानों पर ट्रांसपोर्टरों ने कालाढूंगी क्षेत्र से अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की है और धरने पर बैठ गए हैं। सोचा जाए, गंभीरता से लिया जाए, ये मामला ऐसा है जी, पहाड़ों पे छोटे छोटे कामों के एवज में प्रशासन को धोखा दे के, उनको गलत बहला फुसला के, परमिशन लेके उस माल को जो है क्रैशरों पे सप्लाई किया जा रहा है पोकलन मशीनों द्वारा, और इतने इतने गहरे गड्ढे खोद दिए हैं कि वो कह रहे हैं समतलीकरण, कोई कुछ गड्ढे निकाल के उसका सत्यानाश कर रहे हैं। वहाँ का माल ला के यहाँ के जो हमारे क्रैशर हैं यहाँ पे उधम सिंह नगर के, इनको भर दिया जा रहा है, और यहाँ से जो है हमारा माल जो लोकल के जितने पट्टे हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से पट्टे मिले हुए हैं, ना तो हमारी रॉयल्टी लेना चाहते हैं यहाँ के क्रैशर और ना हमारा माल, बिल्कुल इनका लाल झंडी है जी, हमने तो ये माल ही नहीं लेना, हमने तो वो पोकलन वाला माल जो बैलपड़ा में खुद रहा है वो माल लेना है। अब इसके संबंध में सब लोग यहाँ पर भी धरना दे रहे हैं, बन्नेखेड़े अटौवा पार हो गया, इधर छोई रोड पर भी धरना लोग ट्रांसपोर्टर दे रहे हैं कि इन पोकलनों को बंद किया जाए। द्वारा जो बैल पड़ाव में 2 फुट की परमिशन दी गई है मिट्टी खुदान के लिए, और जो है क्रेशर वालों ने जिन जिन की परमिशन हुई है उन्होंने
80-80 फुट और 70-70 फुट से गहरे ज़्यादा खट्टे खोल रखे हैं, और नैनीताल ज़िले से माल जो है उधमसिंह नगर ज़िले में आ रहा है, जिससे हमारा जो है ये ट्रांसपोर्टर जो हैं और ये लेबर वाले ड्राइवर सारे लोग बेरोजगार बैठे हैं, सब लोगों को परेशानी है, और जो है कोसी का माल लिया नहीं जा रहा, क्रेशरों पे उनके रेट। कालाडूंगी में प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य ने कोटाबाग क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता को छोड़ते हुए कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण की। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के समय प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन होगा और प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इसमें हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिनका भाजपा में बहुत बड़ा योगदान रहा है, पिछले वर्षों से लगातार सक्रियता रही है, वो तो कांग्रेस में शामिल हो ही रहे हैं। जो यहाँ के प्रधान हैं, यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, पूर्व प्रधान हैं, पूर्व क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी से को त्याग कर कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे हैं। वही खबर नरेंद्र नगर से है, जहां पर उत्तराखंड क्षेत्रीय कल्याण समिति ने नरेंद्र नगर स्थित स्वयं सेवी संस्थान और आशा किरण सेवा आश्रम के लोगों की मदद की। सभी जरूरतमंदों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए गर्म कंबल और खाद्य सामग्री बांटी, इससे असहाय लोगों के चेहरे पर रौनक लौट आई। इस मौके पर उत्तराखंड क्षेत्रीय कल्याण समिति के अध्यक्ष धीरज सिंह नेगी और दुर्गा राणा मौजूद रहे। हमारे उद्देश्य है वो गरीब जो निसहाय परिवार होते हैं या गरीब बच्चे होते हैं या कुछ निर्धन परिवार जिनके अपनी बेटी बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं या शिक्षा में अच्छे अव्वल आने वाले बच्चों को हम प्रोत्साहित करते हैं, और उन जिनके होते हैं बेटी बेटियों की शादी के लायक जो बच्चे होते हैं उनको उसको प्रमोट करते हैं ताकि उनके रिश्ते बन जाए। ऐसा है कि बिपिन रावत जी की जो हमारे सीनियर्स थे उनकी स्मृति में उत्तराखंड क्षेत्रीय कल्याण समिति, वैसे तो विगत 20-21 सालों से ये सामाजिक संस्थाओं में काम कर रही है और सामाजिक सेवाएँ जैसे गरीब बच्चे हैं, गरीब लड़कियाँ हैं, आज उसी क्रम में हम लोगों को पता चला कि नरेंद्र नगर में कोई वृद्धाश्रम है और वहाँ पर असहाय और विकलांग लोग हैं जिनके पास गर्म कपड़ों के अभाव में वो ठंड में जी रहे थे, तो हमारी समिति ने हमारे मान्य अध्यक्ष जी के निर्देशन में हमने जो है ये कंबल वगैरह इकट्ठा करके और गर्म कपड़े उन लोगों को वितरित किए हैं। पौड़ी में निर्वाचन अधिकारी ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और सफल संपन्नार्थ जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने विधानसभा श्रीनगर के अंतर्गत विकासखंड सिरखू के पोलिंग बूथों का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बीएलओ से पंजीकृत मतदाताओं और नए वोटरों की जानकारी भी ली। लंडौरा में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट पर पीड़ित ने ठगी का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। दरअसल लक्सर कोतवाली क्षेत्र के मखियाली खुर्द के रहने वाले गुफरान ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट पर आरोप लगाया है कि कंपनी ने उसके साथ धोखा किया है। उसका आरोप है कि उसने फ्लिपकार्ट कंपनी से आईफोन 12 128 GB ब्लू कलर ऑनलाइन बुक किया था, जिसके बाद शॉपिंग कंपनी ने बुक कराए गए फोन की बजाय आईफोन SE भेजा है। सर, हम ये मामला लेकर के आए हैं कि हमने फ़्लिपकार्ट कंपनी से एक आईफोन 12 ऑर्डर किया था जिसकी कीमत थी 61,999 रुपये, लेकिन कंपनी ने जो मुझे ऑर्डर भेजा है, जो फ़ोन भेजा है, वह है आईफोन SE, उसकी कीमत है कुल 28,499 रुपये, और उस ऑर्डर के साथ जो मुझे बिल प्राप्त हुआ है वह बिल भी आईफोन 12 का ही है, लेकिन EMI नंबर जो है वो आईफोन SE का है जो मुझे ये मॉडल प्राप्त हुआ है। इसकी कुल कीमत 28,499 रुपये है और जो मैंने बुक किया था वो 61,999 रुपये का, यानी कंपनी ने मेरे साथ कम से कम 35,000 रुपये की ठगी की है। उधम सिंह नगर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शांतिपुरी में आयोजित एक जनसभा के दौरान क्षेत्र के पूर्व सैनिकों और महिला समूह के अध्यक्षों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने महिलाओं को कुमाऊनी संस्कृति की ध्वजवाहक तो पूर्व सैनिकों को देश के गौरव बताया। हेलीकॉप्टर से स्थानीय राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में उतरे पूर्व CM हरीश रावत के सभा स्थल पर पहुंचने तक कार्यक्रम में तमाम आला नेता पहुंचे, जिसके बाद मंच पर पहुंचते ही पूर्व CM हरीश रावत ने
कार्यक्रम के आयोजक प्रदेश सचिव विनोद कोरांगा को शाबाशी दी। असर दिखाई देगा 2022 के चुनाव। अर्जी, आपने कहा कि जहां जहां आप जा रहे हो लोग कह रहे हैं, समस्या रख रहे हैं, और आपने कहा कि आने वाला दौर जो है कांग्रेस में, मैं हमेशा कहता हूं एक लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का हक है, अधिकार भी है, खुली सुनवाई होती है, समाधान भी होता है, लेकिन और विचारधारा में भी बहुत फर्क है। वैचारिक जो हमारी सोच है, विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा एक सामाजिक सद्भाव सर्वधर्म संभाव की है, लेकिन वो जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी, वो विचारधारा अलग है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के नीतियाँ रही हैं, कांग्रेस के सिद्धांत रहे हैं, कांग्रेस का योगदान रहा है, कांग्रेस का देश के निर्माण में, उत्तराखंड के निर्माण में, तो उत्तराखंड के विकास में बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन जो इन्होंने वायदे किए हैं वो कभी पूरे नहीं किए हैं। हाईकमान से मिलने का पूरा जोश और जुनून दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये आपसे मिलने के बाद जोश दिखाई दे रहा है, नहीं तो आप तो जानते हैं मैं बड़ा शांत चित्त आदमी हूँ, लेकिन शांतिपुरी के लोगों का जोश देखकर और उसमें आपकी आंखों से बरसते हुए स्नेह को देखकर मुझे भी जोश आ गया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। नए साल में क्या नया करने जा रहे हैं? आपने अपने ट्वीट में कहा था नए साल में कुछ नया होगा, क्या नए साल में? नई सरकार आएगी और एक बहुत अच्छे बहुमत वाली सरकार आएगी, एक जन उन्मुखी, गरीबों उन्मुखी, आम आदमी की मदद में खड़ी होने वाली। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।